नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य सतीश जोशी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। पंडित जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज का पंचांग जान लेते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष की आज दसवीं तिथि है, जो सायं 4:43 तक रहेगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र है, प्रातः 10:31 तक। आज किसी प्रकार का कोई जन्ममूल पंचक इत्यादि कोई भी दोष नहीं है। आज जिन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों के जन्म का पहला अक्षर आप रख सकते हैं हा ही हू पे। आज प्रिगी योग है, दोपहर 3:42 तक। और आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में और सूर्य भगवान कन्या राशि में चल रहे हैं। आज का राहु काल रहेगा दोपहर 3:10 से लेकर 4:40 तक। और आज का दिशाशूल मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। अति आवश्यकता में आप उत्तर दिशा की यात्रा करें। यात्रा प्रारंभ करने से पहले इष्ट देव को नमस्कार करें, मिष्ठान ग्रहण करके घर से निकलें, ताकि आपकी यात्रा मंगलमय रहे, सुखद रहे। आज का शुभ समय रहेगा प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। और 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। ये समय भी बहुत ही उत्तम है। इसमें आप किसी प्रकार का कार्य आरंभ कीजिए, निश्चित रूप से भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो कार्य सफल होगा। चलिए, ये तो हो गया आज का पंचांग। चलिए अब राशि फलों की बारी आती है। क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन सी राशि फल का क्या कुछ हाल रहने वाला है, ये भी जान लेते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। घर में नए मेहमान आएंगे, परिवार का माहौल भी खुशहाल रहेगा। दोस्तों के साथ किसी फिल्म को देखने जा सकते हैं। कारोबार में बड़ा ऑफर आज आपको मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। मांगलिक कार्य की रूपरेखा तैयार होगी। किसी भी विषय में आ रही परेशानियां आज दूर हो जाएगी। कारोबार में लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज का लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके आज आपको प्राप्त होंगे। कारोबार के सिलसिले में यात्रा भी लाभदायक रहेगी, आय में बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कारोबारी यात्राओं का योग बन रहा है। किसी घरेलू काम की गति धीमी हो सकती है। सेहत को लेकर भी आज आपको सतर्क रहना चाहिए। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जीवन साथी की मदद से आज आपके कार्य सारे पूरे होंगे। कार्य में सफलता रहेगी, कोई काम बिगड़ सकता है। सेहत का भी ध्यान रखें, उतार चढ़ाव हो सकता है। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा व्यतीत होगा। जरूरी काम पूरे होंगे। आत्मविश्वास में भी आज आपके बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और नींद को लेकर थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज खास कार्यों के करने के लिए आज आपको दोस्त की सलाह जरूर मिलेगी। सेहत में आलस भरा रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति से आप आज दूर रहें। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज कारोबार में सफलता जरूर मिलेगी। छोटे बच्चों के साथ आप घूमने पार्क में जा सकते हैं। घर परिवार का माहौल भी शानदार रहेगा। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। घर में रौनक लगी रहेगी। नौकरी वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। नौकरी में खास खुशखबरी आज आपको मिल सकती है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। कैरियर में गुरु का सहयोग आज आपको जरूर मिलेगा। परिवार के साथ कहीं दूर पे टूर पे भी आप जा सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा। सेहत भी अच्छी रहेगी। दफ्तर में लोग आपके बातों से प्रभावित होंगे। आज घर की खुश सुख शांति में भी बढ़ोतरी होगी। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। परिवार के साथ आज आप
किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। तो ये तो रहा राशि फलों का हाल। पंडित जी कुछ विषयों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पड़ोसियों से कई बार ऐसा होता है कि संबंध आपके खराब हो जाते हैं, क्या इसका भी कोई ज्योतिषी कनेक्शन होता है? अगर होता है तो कौन से ग्रहों का दोष इसमें माना जाता है? बिल्कुल, देखिए पड़ोसी सबसे ज्यादा नजदीक होता है हमारे दुख और सुख में, सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं और आजकल बच्चे भी बहुत दूर रहने लग गए, विदेशों में रहने लग गए, क्योंकि आज सीमित परिवार है, वो बड़ा परिवार भी नहीं रहा। दो लोग घर में होते हैं, बच्चे दो होते हैं, वो विदेश में पढ़ते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो अचानक कोई दुख सुख हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ोसियों की पड़ती है। पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि दुख सुख का साथी पड़ोसी होता है। परंतु समय का चक्र कह लीजिए, राहु का प्रभाव कह लीजिए, आज अक्सर पड़ोसियों से अनबन रहती है। दूसरे मोहल्ले में अच्छी बनती है, चार कोठियां छोड़ के अच्छी बनती है इंसान की, परंतु साथ वाले मकान और साथ वाले फ्लैट में तनाव बना रहता है, पड़ोसियों से नहीं बनती। इसका सबसे जो मुख्य कारण ग्रहों में है, केतु का खराब होना है। यानी तीसरा ग्रह होता है हमारी भुजाएं, यानी हमारा पड़ोसी, हमारा साथी, जो हर समय दुख सुख में हमारे साथ रहता है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए रात को भी पड़ोसी हमेशा तैयार रहता है। परंतु जब जन्म कुंडली में केतु खराब हो, इसका मतलब आपको पड़ोसियों से परेशानी आएगी, आपके पड़ोसियों के साथ कभी भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि केतु ही ऐसा ग्रह है जो बिना विचार के भ्रमित उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए पड़ोसी ने झाड़ू लगाई, आपको ऐसा लगेगा जैसे उसने कूड़ा हमारी तरफ कर दिया। तो ये छोटे छोटे वहम जो है भ्रम केतु उत्पन्न करता है, और केतु जब भी जन्म कुंडली में खराब होगा ऐसे विवाद चलते रहेंगे। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, उपाय करने चाहिए, क्योंकि अगर पड़ोसियों से संबंध खराब रहेंगे तो समझ लीजिए आपकी दिनचर्या की शुरुआत ही खराब शुरू हो जाएगी। आप क्या काम करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, आप जहाँ भी पूरा दिन जाएंगे काम करेंगे, वो टेंशन रहेगी, क्योंकि शुरुआत जो हम हैं दिन की शुरुआत पड़ोसियों के शक्ल से ही करते हैं, या पड़ोसियों कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, कोई दूध लेना है, कोई अखबार, कोई न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ करें तो पड़ोसी की नज़र पड़ोसी पे पड़ती ही है, और नज़र पड़ते ही वो बातें शुरू हो जाती है दिमाग में आनी, तो अक्सर मूड ऑफ रहता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखें, केतु को ठीक रखें। कभी कभी हमारी खुद की भी गलती होती है। केतु का सबसे बढ़िया जो उपाय है, संयम रखें, धैर्य रखें। समझ लीजिए एक पड़ोसी ने गलती नहीं की, आपकी अपनी गलती है, या धैर्य से प्यार से उसे बोलिए तो संबंध ठीक रहते हैं। अक्सर हो जाता है हमारी कुंडली में मान लीजिए अग्नि तत्व राशि है, उसकी कुंडली में भी अग्नि तत्व राशि है, दोनों ही गुस्से वाले हैं, तो दोनों ही एकदम भड़क जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि अगर एक की अग्नि तत्व राशि है तो दूसरे को जल तत्व यानी शांति से बात करनी चाहिए। अगर दोनों ही गुस्से से बात करेंगे तो कभी भी संबंध अच्छे नहीं हो सकेंगे, और पड़ोसी का संबंध अच्छे नहीं है तो समझ लीजिए जीवन नरक है, क्योंकि सुबह शाम हमेशा ही आप तनाव में रहेंगे, पड़ोसी भी तनाव में रहेगा। तो ऐसे माहौल में रहने का भी कोई फायदा नहीं है जहां आपको हर रोज़ टेंशन मिले और उसके कारण सेहत में गिरावट आए। तो पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, उसके लिए नियमित उपाय भी आपको करने चाहिए। बिल्कुल, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे पंडित जी। एक दर्शक ने हमें फोन किया है, मुजफ्फरनगर से सुधीर ने हमें फोन किया है। सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? जी बेटे के बारे में जानकारी चाहिए। बोलिए। हैं बारह। हाँ जी। हैं बारह 91 बजकर 30 मिनट दोपहर का। पूछिए क्या पूछना। जी इसकी जोर नहीं लग पा रही थी, कई जगह क्लियर भी कर लिया, सरकार की वजह से लेट लती थी हो रही थी। बिल्कुल, देखिए जब भी जन्म कुंडली में राहु शनि केतु की दशा खराब होती है, या कहीं ना कहीं मंगल खराब होता है, तो इंसान प्रयास करता है परंतु उसके प्रयास में कमी होती है। कई बार ऐसा होता है इंसान का भाग्य जो उदय होना है वो जन्म स्थान से दूर होना है, परंतु बच्चा मोह माया के कारण या माता पिता मोह माया के कारण बच्चे को दूर नहीं भेजते,
वो आसपास ही कोशिश करते रहते हैं, परंतु जन्म कुंडली में योग बनता है जन्म स्थान से दूर जाके ही भाग्य जगेगा। तो बच्चों को जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए अगर उनकी जन्म कुंडली में ऐसा लिखा गया है, तो इसको जन्म स्थान से दूर भेजिए, क्योंकि इनका केतु कहता है आप जितनी दूर जाओगे जन्म स्थान से उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। प्रयास करें जन्म स्थान से दूर करें, और मार्च पहल के बाद इसका प्राइवेट सेक्टर में सर्विस का पूरा योग बनता है। गवर्नमेंट के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। सूर्य को जल दें, पिता को नमस्कार करें, और आपके घर के आसपास कोई धर्म स्थान है, मंदिर गुरुद्वारा जो भी है, उसमें आप नियमित रूप से अपने बच्चे को भेजिए ताकि उसकी सर्विस जल्दी लग जाए। चलिए आचार्य जी, हम बात कर रहे थे पड़ोसियों से संबंध को लेकर, तो आपने बताया कि कौन से ग्रहों की वजह से पड़ोसियों से संबंध खराब होते हैं, अभी भी बता दीजिए कि कैसे आप उन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रहों को ठीक करने की जरूरत होती है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है पड़ोसी बहुत अच्छा होता है परंतु हमारे कुछ अपने ग्रह खराब होते हैं। जब भी जन्म कुंडली में तीसरे घर में खराब ग्रह बैठ जाए, सप्तम में खराब ग्रह बैठ जाए, तो इंसान का नेचर ही ऐसा हो जाता है लड़ाई करने का। सप्तम स्थान में ग्रह बैठ के हमेशा ही अपने पार्टनर के साथ, पड़ोसियों के साथ संबंध खराब रखता है, अपनी बात को अहमियत देता है, दूसरों को गलत समझता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पड़ोसी गलत होते हैं। जन्म कुंडली में जब भी शनि चंद्र का योग होगा, शनि राहु का योग होगा या चंद्र केतु का योग होगा, हमेशा ही आदमी भ्रमित रहता है। उसको कुछ ना कुछ लड़ाई करने के लिए बहाना चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बहाना होता है पड़ोसियों के साथ, क्योंकि वो नज़दीक होते हैं और दिन में मिलते भी रहते हैं। तो जन्म कुंडली में अपने ग्रह ही कई बार ऐसे होते हैं जिसके कारण पड़ोसी को दोष नहीं दे सकते। हमें अपने व्यवहार को परिवर्तन करना पड़ेगा। जो भी हमारे जन्म कुंडली में जैसे चंद्र केतु की युति है, इंसान हमेशा ही भ्रमित रहता है, ईर्ष्या द्वेष करने वाला होता है, हमेशा ही अपने घर में नहीं देखता, अपनी थाली में नहीं देखता, दूसरों की थाली में देखता है, या दूसरों के घर को देख के उसी की कहानियाँ अपने दिमाग में बनाता रहता है, उसके कारण पड़ोसियों से संबंध कराते हैं। सबसे पहले हमें अपने ग्रहों को ठीक करना चाहिए, अपना नेचर ठीक करना चाहिए। नेचर ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है आप केसर का तिलक लगाएं ताकि आपको धैर्य है, गुरु मंत्र का पाठ करें, अगर गुरु मंत्र नहीं ले रखा तो भगवान विष्णु का पाठ करें, आसपास कोई धर्म स्थान हो उसमें नियमित रूप से जाना चाहिए ताकि आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है, जो आपको गुस्सा आता है वो कम हो जाए, जो आप भ्रमित रहते हैं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना मेरा उसने ऐसा खराब कर दिया, ऐसे ही झूठी मूठी कहानियाँ अपने दिमाग में आप बनाते रहते हैं जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, पड़ोस में भी। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, केतु का उपाय है, एक सफ़ेद काढ़ा कंबल मंदिर में दें, धर्म स्थान में दें जी। और नियमित रूप से आप धर्म स्थान में जरूर जाएं। चलिए आपने तरीका भी बता दिया कि पड़ोसियों से संबंध आप कैसे अच्छा रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी स्टूडियो आने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।